नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिस्टिसिज्म क्या है? बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो हमें दुनिया को छोड़ना होगा। उसे नेगेटिव मिस्टिसिज्म कहा गया है कि हमने ज़िंदगी को निगेट कर दिया। जो सन्मत का रास्ता है वो हमें समझाता है कि हम अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। कि पिता परमेश्वर को पाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम घर बार छोड़ें और सब कुछ छोड़ के कहीं जाएं तभी पिता परमेश्वर को पाएंगे। संदर्शन सिंह जी महाराज बार बार समझाया करते थे कि हमें हर स्फीयर में बेहतर होना है, फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। इन तीनों एरियों में हमें बेहतर होना है और अपने घर बार में रहते हुए जो प्रभु ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं उनको निभाते हुए हम अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ा सकते हैं। करना क्या है कि सद्गुणों को ज़िंदगी में ढालना है, एक एथिकल लाइफ जीना, एक वर्चुअस लाइफ जीना है जिसमें कि हम सद्गुण, प्रेम का, निष्काम सेवा भाव का, अहिंसा का, सच्चाई का, पवित्रता का, करुणा का, नम्रता का, इन सबको अपने अंदर डालें, अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं जिसमें किसी और को दुख दर्द ना दें, प्यार से बर्ताव करें और फिर रोज़ाना बाकायदगी समय निकालें भजन अभ्यास करने के लिए। महापुरुष फरमाते हैं कि जैसे शरीर को खुराक चाहिए ऐसे आत्मा को भी खुराक चाहिए। शरीर की खुराक है जो हम खाना पीना खाते हैं और आत्मा की खुराक है शब के साथ जुड़ना। और शब के साथ हम जुड़ते हैं जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि जो दिन का दसवां हिस्सा है वो हम भजन अभ्यास के लिए दें ताकि रोज़ाना बाकायदगी से हमारी आत्मा को तंदुरुस्ती मिले, फिर वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेगी। जब एक पूर्ण महापुरुष हमें नाम की देन देते हैं और इस शिव नेत्र को खोलते हैं तो फिर उनका नूरी स्वरूप यहाँ हमारे बीच में टिक जाता है ताकि हम जब भी अंदर की दुनिया की ओर बढ़ें हम उन तक पहुँचें और वो फिर हमें अंदर की दुनिया में ले जाते हैं, रूहानी दुनिया में ले जाते हैं, अध्यात्म की दुनिया में ले जाते हैं। तो पॉजिटिव मिस्टिसिज्म, हम अपनी ज़िंदगी जीते हुए घर गृहस्थी में रहते हुए पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, यही सन्मत का रास्ता हमें सिखाता है। जीवन में एक पूर्ण सतगुरु के होने से हमें क्या बरकतें मिलती हैं? जब हम इस धरती पर आते हैं तो अपने साथ कर्म लेके आते हैं। तीन किस्म के कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रारब्ध कर्म जो के इस ज़िंदगी में हमने झेलने हैं, संचित काम जो के जितने भी पुराने हमारे कर्म थे उनका संग्रह है। और फिर जब हम जीते हैं तो हर रोज़ हम सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं तो उससे कर्म बनते हैं जिन्हें क्रियामान कर्म कहा जाता है। जब हम खुशकिस्मत होते हैं तो किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुँचते हैं, हमें नाम की देन देते हैं तो हमारे संचित कर्मों का नाश सभी कर देते हैं। प्रारब्ध कर्मों में हमें मदद करते हैं और हमें समझाते हैं कि क्रियामान कर्म हमारे कैसे रोज़ाना करें। तो वो भाई बहन जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते उनके कर्म उनके साथ जुड़े रहते हैं। एक तो उनका संचित कर्म का जो भार है वो साथ में रहता है। प्रारब्ध कर्म तो उनके भी ज़िंदगी में झेले जाएंगे, उनको ज़रा मुश्किलें ज़्यादा होती हैं, में आसानी होती नहीं। लेकिन जो वो क्रियामान कर्म करते हैं, रोज़ाना सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, वो फिर और बढ़ जाते हैं ताकि ज़िंदगी के अंत पर वो फिर और संचित कर्मों में जोड़ दिए जाते हैं और वो लोड और भी बड़ा होता चला जाता है। तो ऐसे भाई बहन 84 लाख जिया जो उनके चक्कर में अटके रहते हैं और उन्हें फिर किसी न किसी योनि में और जाना पड़ता है और फिर जब भी प्रभु की उन पर दया मेहर होगी तभी फिर एक नया
मानव जीवन दोबारा से मिले उन्हें, ताकि उन्हें कोई चांस लगे अपने सब कर्मों का नाश करने का। संचित कर्मों का क्या विधान है? संचित कर्म हमारे मानव चोले में ही बनते हैं, क्योंकि इसी चोले में प्रभु ने हमें सोचने का मादा दिया, इसी में हम बोलते हैं और इसी में कार्य करते हैं। तो जो हमारे कर्म बनते हैं, जिसको हम क्रियामान कर्म कहते हैं, जो रोज़ाना हम सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, वो सिर्फ मानव चोले में बनते हैं। और फिर वो जिनका हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ, अगर आज हमने कुछ सोचा, कुछ बोला, कुछ कार्य किया, और अगर आज ही हमने मेडिटेशन की 2.5 घंटे के लिए बैठे, तो कर्म उस दिन कट गए। लेकिन लेट्स से नहीं किए और बन गए, तो वो फिर संचित कर्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जितने भी बाकी 84 लाख जिया जून पिता परमेश्वर ने बनाया, वो इन कर्मों को भोगने के लिए बनाए हैं। उनमें हम सिर्फ अपने कर्मों को काटने के लिए जाते हैं, उनमें कोई नया कर्म नहीं बनता। लेकिन जो जो हमने भोगना होता है, उस किस्म की योनि हमें दी जाती है। तो कर्म जो हैं नए, वो सिर्फ इस मानव चोले में बनते हैं। इसीलिए इसे समझाया गया कि हम बड़े ध्यान से अपनी ज़िंदगी जिए। बाकी जितनी भी योनियां हैं, उनमें हमारी आत्मा सिर्फ उन कर्मों को ख़त्म करने के लिए जाती है। जिस किस्म के हमारे कर्म हैं, जिस किस्म की तकलीफ़ों में से हमने जाना है, उस किस्म की योनि हमें मिलती है। तो जो संचित कर्म है, या जो हमारे कर्म हैं, वो सिर्फ हम जब इस मानव चोले में होते हैं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के अंदर जब होते हैं, तभी हमारे साथ नए कर्म जुड़ते हैं। और बाकी सारी की सारी योनियाँ उन कर्मों का जो भुगतान करना है, उस भुगतान को करने के लिए बनाई गई हैं। दूसरों की कमियों को नज़रअंदाज करने का आसान तरीका क्या है? हम जब भी किसी और की ओर देखते हैं, तो हमें लगता है कि उनमें काफ़ी कमियां हैं। हर एक इंसान अपने आप को परफेक्ट समझता है, तो उसको ये लगता है कि शायद जो बाकी हैं उनकी समझ सही नहीं। जिस लिहाज से हम चीज़ें चाहते हैं, वैसे कोई और करता नहीं, तो हमें लगता है कि वो गलतियां कर रहे हैं। और बड़ी बार हम ये भी सोचते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो ये शायद किसी के कारण होगा, कि कोई ना कोई है जिसने के कुछ किया, जिसके करके कि हम तकलीफ में हैं। और फिर इंसान वही सोचता रहता है और उसको तकलीफ होती है। तो जो सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को सुखी रखने का, वो ये है कि सबसे पहले तो जब भी हम किसी और से मिलें, उनकी खामियों की जगह खूबियों की ओर ध्यान दें। हर एक इंसान में ज़रूर कोई ना कोई खूबी होती है, और कईयों में बहुत सी खूबियाँ होती हैं और बहुत सी अच्छाइयाँ होती हैं। जिस ओर अगर हम ध्यान देंगे, तो फिर हमारा ध्यान अच्छाई की ओर होगा और गलतियों की ओर नहीं। तो जब हम किसी से मिलें, किसी से बातचीत करें, तो हम अपना ध्यान उनके जो अच्छी है एरियाज हैं उस ओर दें। उसके साथ साथ अगर हमें लगे कि कुछ खामियां किसी में हैं, या किसी ने कुछ कर दिया, उस करके हमें तकलीफ हो रही है, तो उसे हमें भूल जाना चाहिए, जिसे फॉरगेट एंड फॉरगिव कहते हैं। उसे भूल जाना चाहिए, उस इंसान को सही तरीके से माफ़ कर देना चाहिए, लफ्ज़ों में ही नहीं लेकिन पूरे तरीके से, क्योंकि सब इंसान है, कोई ना कोई गलती किसी से हो भी जाती है। तो अगर हमें लगे कि किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो उसे फिर
हमें क्षमा कर देनी चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी भी सुखी हो। नहीं तो अगर हम हर समय सोचते रहे उसने ये गलती कर दी, उसने ये गलती कर दी, उसमें ये खराबी है, तो तकलीफ़ हमें सबसे ज़्यादा हो रही है। जब इंसान के अंदर गुस्सा आता है, गुस्सा तब आता है जब लगता है कि कोई और कोई चीज़ गलत कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ खुद को होती है जिसको गुस्सा आ रहा है। तो उस अवस्था से हमने दूर रहना, हमने सुख चैन की अवस्था में जीना है। हमने ज़िंदगी ऐसी जीनी है जहाँ पे हमारे भीतर हमें सुख चैन मिले, तो उस और हमें कदम उठाने हैं। तो इन दो चीज़ों की ओर ध्यान देंगे, एक तो हम अपनी ज़िंदगी ऐसे जिए जिसमें लोगों की अच्छाई की ओर ध्यान दें, और दूसरी कि अगर कोई गलत हो भी गया तो उसको माफ़ कर दें, उसको भूल जाएं, तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी हरी भरी होगी और सुख चैन से अपनी ज़िंदगी हम गुजार पाएंगे। आजकल रूहानियत के प्रति लोगों में विश्वास क्यों बढ़ रहा है? आजकल हम जिस एज में जी रहे हैं उसमें बहुत मटेरियलिस्टिक गेन्स हुए हैं, और जैसे जैसे उस और तरक्की हुई है, इंसान इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि उन तरक्कियों के बावजूद भी हम कोई ज़्यादा सुखी नहीं। जब हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बाहर की चीज़ें भी हमें सुख नहीं दे रही, शुरू में शायद इंसान को लगता हो मुझे ये चीज़ मिल जाए मैं और सुखी होऊंगा, मुझे ये मिल जाए मैं और सुखी होऊंगा, लेकिन समय के साथ जैसे हम जो हमें मिल रहा है और उसको इस्तेमाल कर कर या उसके साथ होकर हमें ऐसे लगता है कि हमें वो खुशी नहीं मिली जो हम चाहते थे, तो फिर हम क्वेश्चन करते हैं कि उन चीज़ों का फ़ायदा क्या है। क्योंकि मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट काफ़ी यहाँ पिछले 100 सालों में हुई है, तो लोग मेरे ख्याल रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट से कोई खास ज़िंदगी इंसान की बेहतर नहीं हुई। हो सकता है भारी रूप से हमें लगा कि हमारे पास चीज़ें ज़्यादा हैं, हमारे को सहूलत हुई हो, लेकिन क्या हम और शांत हैं, क्या हम और खुश हैं? जब ऐसे सवाल उठते हैं तो लोग इसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि खुशी चीज़ों से नहीं मिलती, बाहर के डेवलपमेंट से नहीं मिलती, खुशी पिता परमेश्वर की नज़दीकी में मिलती है। और जैसे जैसे ये अनुभव लोगों को हो रहे हैं तो सारी दुनिया में उनका विश्वास पिता परमेश्वर में बढ़ रहा है, वो अध्यात्म के रास्ते पर आना चाहते हैं, क्योंकि सुख चैन वहाँ से ही मिलता है और अपनी ज़िंदगी हर एक इंसान चाहता है कि बेहतर हो। तो आज ध्यान इंसान का पिता परमेश्वर की ओर ज़्यादा है, रूहानियत की अध्यात्म के रास्ते पर ज़्यादा लोग चल रहे हैं, क्योंकि वो इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि उसके जरिए ही वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहां भी बैठे हैं आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आईबॉल्स हैं आंखों के डेले सीधे सामने और नीचे, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो, तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हों, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो, जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएँ आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।